हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनालाइज करेंगे यूएसडी कैट को, और डेली के सेशन में चले जाते हैं इसके। अच्छा, यूएसडी कैट आप देख लेंगे, ये डेली के अंदर उसके अंदर है, क्या कहते हैं, रेंज के अंदर है। ठीक है, ये रेंज में चल रहा है, ये इसकी रेंज हाई है, ये इसकी रेंज लो है, और ये काफी टाइम से रेंज के अंदर चल रहा है। तो अब ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो आने वाले वक्तों में ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाली जो सप्लाई है, ठीक है, यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया है। ठीक है, तो ये मार्केट अभी फिलहाल जो है वो नीचे ही रहेगी, क्योंकि डॉलर जो है वो मजीद क्या कहते हैं, नीचे की तरफ आने वाला। लेकिन यूएसडी कैट का एक चीज समझ लें, कैट क्योंकि कैट के साथ है, तो कैट की न्यूज आती है बहुत ज्यादा, वो इसके ऊपर इंपैक्ट करती है। बाद लोग आपने देखा होगा कि डॉलर जो है वो काफी लो है, लेकिन फिर भी ये यूएसडी कैट ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हालांकि होना ही चाहिए कि ये यूएसडी कैट को भी नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूएसडी कैट मेन करेंसी है, मेन करेंसी कैट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा तो सा उल्टा हिसाब होता है। तो अभी अगर हम यहां पर देखें, मार्केट ने एक तो यहां पर टच दिया है, ठीक है, और दोबारा मार्केट इसकी तरफ जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंदर की तरफ जाएगी इसके। अभी यहाँ पे हम जरा मैप आउट कर लेते हैं कि मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, देन हायर लो, देन हायर हाई, और मार्केट ने एक हायर लो, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये हायर लो ही कहलाएगा, लेकिन मार्केट ने एक लोअर लो ही क्रिएट किया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब ये लोअर लो कंफर्म हो चुका है अभी मार्केट का। तो मार्केट ने अभी तक अपना जो ये वाला लो है ना, इसको ब्रेक किया है, ना ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो मार्केट अभी से हाई की तरफ आ रही है, तो जिसके बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ मजीद क्रैश करेगी। ठीक है, तो हमने मैप आउट कर लिया है चीजों को। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस जगह की, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, हायर हाई लोअर लो, सॉरी हायर हायर हाई हायर लो देन हायर हाई। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये सेलिंग पैटर्न है, देन हायर लो देन लोअर लो। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये हमारा सेलिंग पैटर्न है यहाँ पर, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, फिर इसको हम एडजस्ट करते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट में। तो हमें हमारी जो सप्लाई है वो मिल चुकी है, हालांकि जो ऊपर वाली सप्लाई है ये भी अभी कारामद है, क्योंकि ये उसकी है, डेली की सप्लाई है, मार्केट यहाँ पे अगेन आ सकती है। लेकिन यहां जो मार्केट ने किया है, अगर अब हम चार्ट के अंदर देखेंगे, यहां मार्केट ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई है। ठीक है, और यहां पे मार्केट ने ये सारे लिक्विडिटी स्वैप कर दिए है, यहां से अगर यहां पे भी लें तो ये स्वैप कर दी। ठीक है, तो ये आखिरी कैंडल हमारे पास ये बनती है, इसको हम पूरे को मार्क करेंगे, और ये हमारे पास एज अ स्वैपिंग जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम एज अ लिक्विडिटी यूज करते हैं, आपको मालूम होगा, डायरेक्ट H1 पे जाते हैं, H1 पे इसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट ने ये पूरा एरिया स्वैप आउट किया है। ठीक है, यहां तक
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाई, देन हाई हाई, लो देन लो वाला नीचे की तरफ, ठीक है। अगेन हमारा जो पैटर्न है वो कंफर्म हो गया है एच वन के अंदर भी, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये जो एरिया है हमारा यहाँ पे ले आएंगे इसको, और ये इसको हम ऐसा ये बल्कि इसको यहीं पर रहने देंगे स्वैपिंग में, ये हमारा एफटीआर हो जाएगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई है इस एरिया की कि ये बहुत ज़्यादा कारामद हो सकता है। एक दफ़ा हम वो भी देख लेते हैं, फिबोनाची भी देख लेते हैं। देखें ये हमारे ये वाला जो एरिया है ये हमारे री एंट्री जोन के अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये ऊपर वाला एरिया बिल्कुल बीच में आ रहा है, ठीक है। ये हमने रिवर्स जो है वो लगाया, क्या कहते हैं, फिबोनाची लगाया। अब इसको ज़रा हम ओरिजिनल टाइप से लगाते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट है यहाँ पर H1 में वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट के अंदर भी ये देखें, यहाँ आ रहा हमारा 2.61 का एरिया हमारी सप्लाई के ऊपर आ रहा है, ठीक है। री एंट्री ऊपर आ रही है, उसका हमें कोई इतना कोई जो है वो खास नहीं लेना, लेकिन जो ये एरिया मेन एरिया है वो हमारा यहाँ पर सप्लाई के ऊपर आ रहा है, ठीक है। एक दफा इसको इस मूवमेंट को भी टेस्ट कर लेते हैं, ये तो बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे आ रहा 1.61 का एरिया, अगेन यहाँ पर सप्लाई पे हमारे आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी मूवमेंट लें तो ये ऊपर बिल्कुल 68 से ऊपर है हमारे बेहतरीन जोन में, तो बिल्कुल इसकी जो कन्फर्मेशन है वो हमें बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है, ठीक है। तकरीबन हर चीज़ ही ग्रीन सिग्नल दे रही है, लेकिन फिर भी हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ये हमारा BOS भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्मेशन लाजमी है क्योंकि ऊपर का जो एरिया है ना ये बिग टाइम फ्रेम का एरिया है, और यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि अभी भी यहाँ तक देखें तकरीबन 50% मौजूद है, और रीटेस्ट भी हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर। तो सप्लाई के लिए हमारे पास ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया यहाँ पे हमें मिल चुका है 1.3762, ठीक है। ये एरिया हमें मिल चुका है यहाँ पर। अभी ज़रा इसको देख लेते हैं बाय के लिहाज से, कुछ बाय में मिल जाए यहाँ पर M15 में। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि फॉल्स फ्लैग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें देखें ये हमें पैटर्न बता रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, जबकि हालांकि सप्लाई ऊपर है। तो यहाँ पर बाय के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाय के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अदरवाइज सेलिंग एरिया यहाँ पे ज़रूर है शॉर्ट टर्म के लिए, ये वाला बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे एंट्री बिल्कुल भी। एरिया इसलिए मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ आता भी है तो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, अगर नीचे आया भी तो ये जो स्ट्रक्चर है शायद इसको ब्रेक ना कर पाए। अगर आता है फिर तो हमारे पास एक क्वालिटी एरिया यहां पर मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, तो मैं नीचे भी मार्क कर दूंगा। बाद अवकात मार्केट बल्कि इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, मार्केट इसको एज ए FTR ले लेती है और हमारा जो बिला वजह के जो SL है वो हिट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको रिमूव करूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लें। 15 मिनट में बाय के लिए हमारे पास है 1.3417, सेल के लिए हमारे पास एरिया है 1.3674, ठीक है। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको इससे सेलिंग एरिया को, फिर बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे फिर भी हो सकता है लेकिन ये एरिया बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, यहाँ पे आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन एरिया इसलिए मैंने मार्क कर दिया, अब मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्क्रीनशॉट लेना होता है।
ठीक है, तो ये एरिया हमने फाइनलाइज किया अपना। और इंशाल्लाह यहाँ पे हमें अल्लाह ने चाहा तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे हमें नसीब होगी और मुनाफा हम लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल। कल तो मैंने दो वीडियो पोस्ट कर दी थी, अगर आज भी मुझे लगा कुछ कि यार किसी दूसरे पैर के अंदर कुछ एक अच्छी हलचल है तो मैं वो भी दोबारा बना दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए USD CAD को आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।